लगता है कि राजनीतिक परिस्थिति देश के भीतर पैदा की गई है कि अगर आप सरकार की बात से सहमत हैं तो सही, अगर आप सरकार की बात से सहमत नहीं हैं तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। सरकार ने तमाम अपनी चीजों को गुमराह करने के लिए, जो उनकी असफलता है उसको गुमराह करने के लिए रोज हमारे बीच में एक नया एजेंडा फेंकती है। अभी एजेंडा क्या आया है कि CAA के समर्थन में और CAA के विरोध में रैलियां हो रही है। एक बात आप मुझे बताइए कि कोई कानून जब पास हो गया है तो उस कानून के समर्थन में रैली निकालने की क्या जरूरत है? वो कानून ऑलरेडी पास हो चुका है, जिसको उस कानून से दिक्कत है वो लोग उस कानून का विरोध करेंगे। असल मसला क्या है? मसला ये है कि दिन रात जो हमारे टेलीविजन पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को इस देश के गली मोहल्लों में ये उतारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और गांधी के इस देश में, अंबेडकर के इस देश में, भगत सिंह के इस देश में इंसानों को आपस में लड़ा करके रोटी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली और आत्मसम्मान के सवाल को गुमराह किया जाए। इसीलिए आज हमारे सामने ये कठिन चुनौती है कि कैसे, ये तो साजिश है, उस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। आप तमाम लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा के मित्र कहते हैं कि जो CAA का विरोध कर रहे हैं वो इस देश में हिंदुओं को नागरिकता देने के खिलाफ हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग बिहार के लोग, जो ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, इस धरती पर रहने वाले लोग किसी भी धर्म को, ये गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये मौलाना मजरूर हक की धरती है, ये पीर अली की धरती है, इस धरती पर क्या आप किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म के इंसान को नागरिकता देने के खिलाफ है क्या? हाथ उठा करके जोर से बोलिए। तो ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? हम किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है, बल्कि नागरिकता देने के नाम पर NRC और NPR की साजिश के द्वारा इस देश के लोगों को जो नागरिकता छीनने की तैयारी की जा रही है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारे विरोध को, हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये जो अपने आप को दादा समझते हैं ना दिल्ली में बैठ करके, ये शाही बाग की दादियों से डर गए हैं। और उसको बदनाम करने के लिए दिन रात नफरत लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। ये नफरत लगातार लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है ताकि इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह कर दिया जाए। अभी आपको पता चला कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पिछले 5 साल में 3,16,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और नौकरियां नहीं मिलने के जवाब में ये आंकड़ा आ चुका है कि हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि दोस्त, अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस तरीके से सवाल का जवाब मांगेंगे, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए कि कितनी चालाकी से इस देश में गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है और गोद से जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। खुलेआम लोगों को भड़काने वालों के ऊपर FIR नहीं किया जाता है और जब FIR करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय देती है तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप देखिए कि खुलेआम इस देश के भीतर क्या किया जा रहा है। खुलेआम इस देश के भीतर धीरे 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 लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को छीन कर इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आप देखिए कि आज इस देश में एक ही वर्ग के लोग हैं जो CAA NRC और NPR का विरोध कर रहे हैं और जो वर्दी पहन करके इस देश की सेवा कर रहे हैं वो एक ही क्लास के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं
कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा लेकिन वर्दी पहन करके नौकरी करने वाले इन सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा, इसको बेईमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रॉड थमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। हम आपकी साजिश के खिलाफ गांव गांव जाएंगे, एक एक इंसान के बीच में जाएंगे। और आपको क्या लगता है आप हमको अपनी नफरत से डरा देंगे? आप भुलावे में हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और गांधी जी के प्रपोज आज हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, ये इस बात की शिनाख्त है, देख लीजिए। हम इस देश में आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि यही नफरत, जो नफरत आज इस देश के भीतर बोई जा रही है, इसी नफरत का नतीजा था कि इस खूबसूरत देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उस वक्त भी अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से गाय का मांस मंदिरों में फिरवाकर, सुअर का मांस मस्जिदों में फिरवाकर हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया, भारतीयों को आपस में लड़ाया और फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस देश का बंटवारा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस देश के हुक्मरानों को, हुक्मरानों को यह समझ में आना चाहिए कि इस देश में जो मुसलमान रह गए उन्होंने जिन्ना को नहीं गांधी को अपना राष्ट्रपिता चुना था, इस बात को याद रखना चाहिए। इस बात को याद रखना चाहिए कि जब पार्टीशन होने की बात आई, देश में दंगे शुरू हुए तो एक तरफ पश्चिमी भारत में माउंट बेटन की पूरी फौज खड़ी थी लेकिन वो दंगा नहीं रोक पाए। अकेला महात्मा गांधी, वो बापू, वो अर्धनग्न फकीर इस भारत का दंगा भूख हड़ताल से रोक दिया था। इस देश ने हमेशा गांधी को अपनाया। मुझे अफसोस है कि आज अगर गांधी दिल्ली में होते तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता तो राहुल की भी जान नहीं जाती और नाजिम की भी जान नहीं जाती। कोई माँ अपना बच्चा नहीं खोता, कोई पत्नी अपना शौहर नहीं खोता और किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छिन जाता। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है, इस देश की जनता को तय करना है कि उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। बोलिए किसके साथ जाने के लिए तैयार है? अगर गांधी के साथ जाने के लिए तैयार है तो नेता की तरह मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं, मुझे लफाजी करके, चाटुकारिता करके और वोट की गिनती करके प्रधानमंत्री नहीं बनना, इस बात को याद रखिएगा। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि उससे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उसे इतिहास बनाया जाता है। और आप तमाम लोग जो आज पटना के गांधी मैदान में हैं, आप इस देश में इतिहास रच रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। इस देश को जब जरूरत है कि हम गांधी के रास्ते पे चलें और वही रास्ता, वही पथ हम लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। आज के डेट में, आज की तारीख में हमको अंबेडकर की समानता की जरूरत है, गांधी की महानता की जरूरत है और भगत सिंह की बहादुरी की जरूरत है, निडरता की जरूरत है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। अगर भगत सिंह की निडरता, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता और गांधी की महानता अगर हमारे साथ है तो ये गोडसेवादी ताकतें, नफरतवादी ताकतें इस देश को बांट नहीं सकती है, इस देश को तोड़ नहीं सकती है, इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। गांधी ने धर्म के आधार पर देश की बांटने की साजिश को बखूबी समझा था, इसीलिए गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज अगर गांधी जिंदा होते तो इसी गाने के साथ हुए बात जोड़ते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको शिक्षा, सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान, सब इंसान को मिले बाबर का आत्मसम्मान, इस गाने में ये बात जोड़ी जाती। ये बात जोड़ी जाती कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हर घंटे नौजवान आत्महत्या करने को विवश है, खेत में किसान मर रहे हैं, सीमा पे जवानों की शहादत हो रही है। और अजीब बात देखिए, मेरे पिताजी किसान थे,
मेरे भाई लोग फौज की नौकरी करते हैं, हमारे परिवार से एक भाई की शहादत भी हुई है, लेकिन जब हम ये कहते हैं सबको शिक्षा सबको काम पढ़ना होगी नींद हराम, तो ये कहते हैं कि हम देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। साहब, हम देश को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। इस मिट्टी पे हम पैदा हुए, हमारे पुरखों ने जान गवा करके जो आजादी हमको दिलाई, कसम चंद्रशेखर आजाद की, उस आजादी को बचाने की बात कर रहे हैं, उस संविधान को, उस आईन को बचाने की बात कर रहे हैं। और ये बात हम करेंगे, ये बात हम करेंगे। आपको जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, आपको जितना पैसा खर्च करना है खर्च कर लीजिए। हम इस मैदान में किसी इंसान को नेता बनाने के लिए मंच नहीं सजा रहे हैं। हम ये जनगण मन यात्रा किसी को एमपी एमएलए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं निकाले हैं। ये जनगण मन यात्रा इस देश में जन और गण को बचाने के लिए है। जन मतलब जनता, गण मतलब गणतंत्र। और ये गणतंत्र हम इसलिए बचाना चाहते हैं कि एक जूता सिलने वाले का बच्चा भी अपने टैलेंट के बदौलत बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सके और उसको इस बात का अफसोस नहीं हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि हमारा बाप परिवार नहीं था, हमारा बाप दलाई नहीं था। उसको इस बात का अभिमान हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि इस देश में ईमानदारी से मजदूरी करना ये हमारी बदकिस्मती नहीं है। उसको इस बात का अभिमान हो, वो गर्व से ये बोल सके कि हाँ, हमारा बाप किसान है, हम किसान का बच्चा है। क्यों भाई, क्यों? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लीडर का बेटा लीडर बनेगा। मैं पूछता हूं कि फार्मर का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनेगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या दिक्कत है? कैसी व्यवस्था आप इस देश के भीतर बना रहे हैं? और कोई सवाल पूछता है तो आप राजनीतिक गुनागणित लगाने लगते हैं। जो लोग आज धर्म देखकर वोट बैंक की गिनती कर रहे हैं वो नेता नहीं है, गिद्ध है। इस बात को आप याद रखिएगा और इन गिद्धों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। मैं पूछता हूं कि खून बहता है किसी का भी बहता हो, टोपी लगाने वाले का भाव हो या टीका लगाने वाला का भाव हो, बोलिए इंसानियत का कत्ल हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर इंसानियत का कत्ल हुआ है और आपके भीतर अगर इंसान जिंदा है तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? आपको बुरा नहीं लगेगा? हमको क्या बनाया जा रहा है? अगर गांव में कोई मर जाता था, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, पूरे गांव में खाना नहीं बनता था। बोलिए ऐसे होता था कि नहीं होता था? बताइए। दंगा भड़का करके, भड़काऊ भाषण देकर के कपिल मिश्रा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया है। लेकिन इस देश में अगर आप सच बोलिएगा तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। हम कहते हैं कि देविंदर सिंह एक पुलिस ऑफिसर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी के साथ पकड़ा गया, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया, लेकिन कोई विद्यार्थी अगर सवाल पूछेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। आप मैं बताइए, अरे मानिए मैं तो जवान हूं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हो सकता है कि लोग अपने राजनीतिक एडवेंचरिज्म के लिए उन जरूर बातें करते होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, स्कूल की वो छोटी छोटी बच्चियां, कर्नाटक स्कूल में जो 8 साल और 10 साल की बच्चियां हैं, एक नाटक करने के गुनाह में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है जी, हैं? तमाशा चल रहा है देश में। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, ये आज डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। इस डाइवर्ट एंड रूल के खिलाफ हम अपने मुद्दों पर इस देश की राजनीति को लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर राजनीतिक बहस हो तो इस बात के लिए हो कि बिहार से 50% लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता है। एक लड़की यहां बोलने के गई है बिहार की सारिका, उसने बताया कि अगर यहीं पर यूनिवर्सिटी होता तो हमको पढ़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पर अस्पताल होता तो हमको इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पर हमको काम मिलता तो आज हमारे बिहार के लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे में अपनी जान नहीं गवाए होते। आपको मालूम है कि नहीं कि जो लोग मारे गए हैं दंगों में वो बिहार और उत्तर प्रदेश के विस्थापित मजदूर हैं, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन बस्तियों में जाकर के रहते हैं। आप देख लीजिए,
कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोग और साउथ दिल्ली में रहने वाले लोगों में फर्क है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, लेकिन काम दोनों का एक तरीके का है, दोनों मजदूरी करते हैं, साथ में मजदूरी कर रहे थे, साथ में दिवाली का लड्डू और ईद की सवैया खा रहे थे। तुम बेईमानों ने अपने कैरियर के लिए और अपने बेटा के कैरियर के लिए इस देश में आग लगाई है, इस बात का हिसाब दिया जाएगा, इस बात पर हम अमल करना बंद नहीं करेंगे। और जब हम बोलते हैं तो कुछ लोग आकर के कहते हैं क्या हो जाएगा तुम्हारे बोलने से। सुन लो दोस्त, एक बार एक जंगल में आग लगी थी और एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। बड़े बड़े जानवर बैठ करके हंस रहे थे। आज भी कुछ लोग अपने पार्टी दफ्तरों में बैठ करके वीडियो देख रहे होंगे। याद रखिएगा, ये आग बुझेगी और आपका नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ये प्रो CAA और NTCAA का पोलराइजेशन नहीं है। एक तरफ गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ ट्रंप का तलवा चाटने वाले गुलाम है। इनकी गुलाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश हमारा है और इस देश के संविधान की प्रस्तावना में कहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। और जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है तो क्या अमेरिका, क्या रशिया, क्या चाइना, क्या जर्मनी, हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत के लोग हैं, आजाद देश में पैदा हुए, अपनी आजादी के साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे। सरकार कहती है कि शिक्षा पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हवाई जहाज पे उड़ने के लिए सरकार के पास पैसा है। तो ये बाबू, तुम हुआ घूमो हवाई जहाज में और हमारा बच्चा ट्रेन की बॉगियों में, जनरल बॉगी में। जनरल बॉगी का बात आपको बताते हैं, जनरल बॉगी में अगर दिल्ली जाना हो ना, प्यास लगने पर भी लोग पानी नहीं पीता है कि पेशाब लग जाएगा तो कैसे जाएंगे पेशाब करने के लिए। बोलिए, हकीकत है कि नहीं? जनरल बॉगी में दोनों पक्ष के ऊपर गमछा पहन करके उसके ऊपर लोग सो जाता है। खाता नहीं है कि पच जाएगा तो स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाना है। इस देश की ऐसी हालत बना करके रखी है और आप चाहते नहीं कि बुनियादी सवालों पर बहस हो। जब पूरा देश एनआरसी में उलझा हुआ था, बड़ी चालाकी से एनआरसी को बेच दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब सरकारी बैंकों को बेचने की तैयारी की जा रही है। बिहार के जो पुरनका लोग हैं उनको ये बात याद होगा कि लोग कहते थे कि प्राइवेट बैंक में पैसा मत जमा कीजिए, प्राइवेट बैंक आपको ज्यादा ब्याज का लालच देगा, लेकिन कब आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा इसका गारंटी नहीं है। क्या चीज, सब लोग आपको बता देंगे, जाइएगा देख लीजिएगा, पटना जंक्शन के बगल में जो पुल है उस पुल के सामने से देखिएगा, कभी भी हेलियस ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा। हेलियस बैंक बिहार में था कि नहीं था? कहां गया हेलियस बैंक? क्या हुआ पीएलएस बैंक का? क्या हुआ जेबीजी बैंक का? इस देश के गरीबों का जो 10 रुपया 20 रुपया लोग जमा करते थे वो पैसा लेकर के भाग गया। और आज वित्त मंत्री कह रही है कि सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक के मुकाबले में दक्ष नहीं है। अरे, अपनी दक्षता छुपाने के लिए, अपनी और क्षमता छुपाने के लिए आप बैंकों के ऊपर मत डालिए। अगर हम इस देश के लोग बुरी से बुरी परिस्थिति में बैंक को चला सकते हैं तो हम बैंक को मुनाफा में भी ला सकते हैं। आप अपने कॉरपोरेट दोस्तों के साथ गलबनिया करना बंद कर दीजिए, सरकारी बैंक मुनाफे में आ जाएंगे। कहते हैं एनपीए का बात, किसान का जो कर्जा है ये एनपीए है, लेकिन जो कॉरपोरेट का 176,000 करोड़ रुपया जो कर्जा माफ किया गया वो एनपीए की चर्चा नहीं कर रहे हैं। देश में लूट मची हुई है, इसीलिए देश की जनता को धर्म के नाम पे उलझाया जा रहा है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूँ कि CAA, NRC और NPR की लड़ाई अपने आप में एक बड़ी लड़ाई है। और इस बड़ी लड़ाई की दो सबसे बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती तो यह है कि सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे जो अपनी पूरी जवानी सरकारी नौकरी खोजने में बिताते हैं, उन बच्चों को कैसे रोजगार दिया जा सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है।
और अगर उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये जो धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे जो दंगा करने वाले लोग हैं, ये हमारे घरों को चलाते रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आपकी कोई जात नहीं होती और आपका कोई धर्म नहीं होता। आग जब लगता है तो उसके सामने जो भी पड़ता है वो तो उसका घर जला देता है, उसका जीवन जला देता है। हमको इस आग को बुझाना पड़ेगा। और अगर हम आग बुझाना चाहते हैं तो कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है, नफरत से नफरत को नहीं मारा जा सकता है। जैसे कीचड़ को धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही नफरत को हराने के लिए मोहब्बत की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई आकर के आपके धर्म का नाम ले, कोई अगर सिर्फ हिंदू हिंदू बोले तब भी सावधान हो जाइए, और कोई अगर आकर के सिर्फ मुसलमान मुसलमान बोले तब भी आप सावधान हो जाइए। क्योंकि इस देश के इतिहास ने यही हमको सिखाया है कि जिन्ना ने गांधी के साथ दोस्ती नहीं की लेकिन सावरकर के साथ दोस्ती कर ली थी और हिंदू महासभा के साथ मिलकर के सरकार बनाया था, ये इतिहास याद रखिएगा। ये इतिहास इस देश में ना दोबारा दोहराया जाए, इसीलिए इस देश में हमको ये तय करना पड़ेगा, हम तमाम लोगों को ये तय करना पड़ेगा, चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, कि हमको गोडसे के रास्ते पे चलना है, जिन्ना के रास्ते पे चलना है, या हमको भगत सिंह अम्बेडकर और गांधी के रास्ते पे चलना है, ये बात हमको तय करना पड़ेगा। और हम आज इस मंच से इस बात का ऐलान करते हैं और हमको पूरा भरोसा है कि आप भी इस ऐलान के साथ हमारा समर्थन कीजिएगा कि ये बिहार की धरती जो तमाम सामाजिक क्रांतियों की धरती है, ये धरती नक्षत्र मालाकार की धरती है, ये धरती कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये धरती चुप्पा सैनी की धरती है, ये धरती जगदेव बाबू की धरती है, ये धरती श्री कृष्ण की धरती है, ये धरती अनुग्रह नारायण सिंह की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, ये धरती मौलाना मंजूर हक की धरती है, ये धरती पीर अली की धरती है। इस धरती पर धर्म के नाम पर हम दंगा फसाद नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए हम दंगा फसाद नहीं चलने देंगे। ये ऐलान हम लोगों को करना पड़ेगा, हमको ये तय करना पड़ेगा कि धर्म के नाम पे जो आज हमको हमारे मुद्दे से भटकाया जा रहा है, धर्म के नाम पे भटका करके जो हमारे मुद्दे से हमको गुमराह किया जा रहा है, हम अपने मुद्दों पे इकट्ठा होकर के लड़े हैं। आज अगर एनपीआर के लिए लड़ रहे हैं तो कल बेरोजगारी के सवाल भी होंगे और भरेंगे, और इसी पटना के गांधी मैदान में तीन पार रखने की जगह नहीं रहने वाली है, ऐसा इतिहास बनाने का हम संकल्प लेते हैं। बोलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो आप भी हमारे साथ इस नारे को लगाइएगा। हम कहेंगे बिहार मांगे रोजगार, आप कहिएगा नहीं चाहिए एनपीआर। बिहार मांगे रोजगार, बिहार मांगे रोजगार, नहीं चाहिए एनपीआर। अब एनपीआर का मसला ऐसा है कि सरकार बाबू ने कहा है कि हमने प्रस्ताव पास कर दिया है, ठीक है, बधाई हो। विपक्ष भी कह रहा है कि यह हमारी मेहनत का नतीजा है, आपको भी बधाई हो। लेकिन हमारा ये नजरिया है कि ये आंदोलन एक पार्टी, एक झंडा, एक नेता और एक चेहरा का मोहताज नहीं है। ये आंदोलन बिना नेता, बिना पार्टी, बिना झंडा जनता के साहस और हिम्मत से लड़ा जा रहा है। अगर ये आधी जीत हुई है तो ये जीत किसी व्यक्ति की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, किसी सरकार की नहीं, हम बिहार वासियों की एकता की जीत है, हमको इस रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ऐसा है ना कि हम लोग हैं थोड़ा भोले लोग, शैंपू के डिब्बा पे 50% एक्स्ट्रा लिखा रहता है ना, तो हम लोग कहते हैं वही डिब्बा दे दीजिए। जिस दुकान के बाहर बड़का बड़का को SALE लिखा रहेगा ना, उस दुकान में हम लोग सबसे पहले घुस जाते हैं। जहां ये लिखा रहता है ना बाय वन गेट वन फ्री, उस दुकान में हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं। लेकिन हम लोग खरीदारी नहीं करते हैं, हम लोग कोई सौदेबाजी नहीं करते हैं, हम लोग देश बचाने की बात करते हैं, हम लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, हम लोग गांधी और अम्बेडकर की बात करते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सौदेबाजी में नहीं,
लफाजी में हम लोगों को नहीं घुसना चाहिए। अगर सरकार कहती है कि हम एनआरसी नहीं करेंगे तो जो एनपीआर करने का गजट नोटिफिकेशन है माननीय सरकार उसको वापस ले ले, हम लोग विधि धन्यवाद सरकार को भेज देंगे। क्या है कि नहीं है? अभी तक एनपीआर का गजट नोटिफिकेशन नहीं बाहर किया गया है, नहीं वापस लिया गया है, और हमको किसी सरकार से किसी बात की कोई उम्मीद भी नहीं बची है। कहते हैं ना कि हम लोग धारा के विपरीत खड़े हैं, धारा के विपरीत ऐसे खड़े हैं कि जात और धर्म का नेता बनना बहुत आसान होता है। एक बार एक तय रंग का गमछा अपने कंधे के ऊपर डाल लीजिए, आप बहुत आसानी से जात और धर्म का नेता बन जाएंगे। एक तय जाति के नेता के तस्वीर के ऊपर माला चढ़ा दीजिए, आप बहुत आसानी से उस जात का नेता बन जाइएगा। हम लोगों को जात और धर्म की इस राजनीति की धारा में नहीं चलना है। एक जगह एक कवि ने लिखा है, वह पथिका पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शून्य न हो, नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हम लोग प्रतिकूल धारा में चल रहे हैं, और जब हम लोग प्रतिकूल धारा में चल रहे हैं तो हमने ये तय किया है कि सरकार प्रस्ताव पास करे तो ठीक, अगर सरकार प्रस्ताव पास नहीं करेगी तो आप तमाम लोगों को पटना से जब आप यहां से लौट करके जाएंगे तो अपने वार्ड कमिश्नर को पकड़िएगा, अपने मुखिया जी को पकड़िएगा, अपने सरपंच साहब को पकड़िएगा और कहिएगा मुखिया जी आपके पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं है और आपके पास अंबानी जी का फोटो भी नहीं है, तो आपके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, तो आपको वोट हम ही से लेना है, हम ही आपको मुखिया बनाएंगे, और अगर आप हमारा वोट लेना चाहते हैं तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप पंचायत में ये रेजोल्यूशन पास कीजिए, पंचायत में ये प्रस्ताव पास कीजिए कि हमारे पंचायत में एनपीआर नहीं होगा, और ये नोटिस बना करके अपने अपने कलेक्टर को भेजिए। तो ये मंजूर है कि नहीं?